ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने टोंक में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की गिरदावरी का काम समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। देखिए, फसल अभी तो खेत में है और कटकर घर आए ही नहीं, ना आने का समय हुआ है। उसके पहले ही हमने निर्देश दिए हैं, गिरदावरियां चालू हो गई है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिले में प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, इसके लिए विशेष निर्देश सरकार ने पहले से दिए हुए हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम। तो अब कांग्रेस को तो विरोध कर रहे हैं, वो कुछ भी करती रहे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि उनके समय में उन्होंने कब जो खराबा हुआ फसल का, किसानों का, उनका कब मुआवजा दिया? उनको तो कभी चिंता ही नहीं होती, ना उनके विधायकों को होती थी, ना उनके मंत्रियों को होती थी, ना मुख्यमंत्री को होती थी। हमारे राज्य में ये चिंता हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने हमें विशेषकर आपदा प्रबंधन के तहत और जो फसल का खराबा हुआ उसकी मॉनिटरिंग करते हुए वास्तविक गिरदावरी हो, किसल को फसल का खराबे का मुआवजा मिले, इसके देखने के लिए हम आए हैं, भेजा है हमें। तो ये हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सबका मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना। अब जब वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके प्रस्ताव बनेंगे, वो जाएंगे, स्वीकृत होंगे, तो मुआवजा भी मिलेगा। और जब फसल कटाई होगी तो कटाई के बाद क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा का मुआवजा मिलने का प्रावधान है, वो भी तब मिलेगा जब फसल कटाई का समय आकर के मुआवजा मिलेगा। तो उसके लिए भी निर्देश दे रहे हैं।